वॉट इज अप गाइस, मनी आइन टंगी है, इसको ना देखो कहाँ टंगी है, कुछ नहीं टंगा, झोला टंगा है, अच्छा हाथ में है। चलो तो चलते हैं अभी नीचे, और शाम हो रही है, 6 बज रहे हैं। हाँ देखा, ये देखो 6 टाइम 6 हो रहा है, और मटेरियल अपने ले लिए गए हैं, क्लॉथिंग शर्ट पहन लिया है, और चश्मा लेना था चश्मा भी पहन चुके, चेंज हो चुका है, और पेन लेने थे। वैसे आज स्क्रिप्टिंग जो है कुछ ज़्यादा तो नहीं करनी है, लग नहीं रहा, वैसे पेन तो हमने ले लिया है। सब्जी भेज रहे हैं, कोई नहीं, पानी की बॉटल, इंट्रो एंजॉय करो, फिर नीचे बताते हैं आपसे हम आज का विचार। माउस जो है थोड़ा थोड़ा इसके जो है सेल यहाँ पे जो है खत्म हो गए हैं, और चलो फिर सेल खत्म हो गए, नए नए सेल रखे हुए हैं और इसे फाड़ते हैं, तो इन सेल्स को जल्दी से इसमें डालते हैं और फिर मिलते हैं अच्छे से आपसे, ठीक है? तो सेल को डालते हैं। देख रहे हो कितनी तेज हो गया है, तो इसीलिए जो है सेल को डाला था कि आराम से जो है यूज करने में आसानी हो जाए, और जो हार्डनेस है वो चली जाए, और ये सेल रखे हुए हैं, ये सेल आप फिलहाल इसको रखे रहेंगे, इमरजेंसी में ये भी काम आ जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है थोड़ी बहुत जो है बैटरी बची रहती है। तो चलो जल्दी से, वैसे जिसको हमारे गियर्स ब्लॉगिंग के गियर्स हो गया, अमेजोन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होती है, जाके शॉपिंग कर सकते हो। और तो क्या होने वाला आज का टॉपिक जो है हमारा क्या हो रहा है, जैसे कि हमने आपको कल वाले ब्लॉग में जो है बताया ही था कि हमने 1 मिनट की शॉर्ट बनाया हुआ है, अभी जो मेन वीडियो हमारा वो नहीं बना है, तो वो मेन वीडियो जो है आज ही बनाएंगे, तो उसके लिए पहले स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, चाहे जितना मैं नहीं कर लूँ, लेकिन मेरे को स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी। आप देखो पेन में लेके आया था, लेकिन पेन ऐसी जगह चला गया, उंगली भी नहीं जा रही मेरी, दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पर उंगली भी नहीं जा रही सही से, देख रहे हो? तो जल्दी से इसे निकालते हैं, थोड़ा सा इसको उठाते हैं, और थोड़ा सा पीसी को अप करो, नीचे हाथ डालो पेन अंदर, तो ये रहा। और स्क्रिप्टिंग जो है पहले वाले में पहली की करी गई है, दूसरे कैबिनेट्स भी है, कैबिनेट्स समझ जाओगे यहाँ पे, एंड ये देखो एंड के जो लिखा हुआ है ANT स्पोर्ट, ये सब जो आप प्राइसिंग देख के जो है समझ जाओगे। तो अब जो है क्या करना है हमें स्क्रिप्ट का लिखना है, स्क्रिप्ट में क्या लिखने वाले हैं, तो सो जो कल 5 हमने CPU बताए थे, तो जो 5 हमारे कैबिनेट थे, ओपन फ्रेम कैबिनेट तो बताया ही था, हालांकि इस बार जो स्क्रिप्ट में बोलेंगे वो भी ओपन फ्रेम कैबिनेट और क्लोज फ्रेम कैबिनेट के बारे में फिर से बताएंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि यार बहुत लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो ओपन फ्रेम कैबिनेट और क्लोज फ्रेम कैबिनेट समझ में पाएंगे नहीं, आप लोग समझ गए हो, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता के ही रखा था, तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी होने वाली है। फिलहाल मैं इसको चलो जल्दी से स्क्रिप्ट को लिख लेता हूँ, फिर हम वीडियो भी बना लेते, तब हम आपसे आराम से मिलते हैं।
गाइस यहाँ पे जो है हमारी स्क्रिप्ट जो है लिख चुकी है और मेन मेन पॉइंट्स हमने लिख लिए है और बाकी जो है हम जो है मॉनिटर से देख के जो है वीडियो में बोल देंगे कि क्या हमें बोलना है और क्या ही चीज़ जो है हमें एक्सप्लेन करनी है। हालांकि यार इस समय जो है रात के टाइम है तो काफ़ी हमें प्रॉब्लम आने वाली है शेडोज की और लाइट की, क्योंकि लाइट यार इधर लग गई तो लाइट का रिफ्लेक्शन जो है इस साइड आ रहा है जिसके कारण यार पर्दे के कारण छुप रहा है। पहले स्क्रिप्ट को एक बार रीड करके भी देखना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो यार गाइज आप सभी ने जो है अभी इंजॉय किए टाइम लैप्स की मैंने कैसे जो है शूट किया है। काफ़ी ज़्यादा जो है शूट पे प्रॉब्लम होती है, 2 से 3 शूट लग जाते हैं गाइज, तो वीडियो ये वाली आपको जो है कल मिल जाएगी गाइज। शूट को मैंने कर दिया और अभी चल रहे हैं विवेकानंद हॉस्पिटल। प्रेरित आया था यानी कि जो भी आए थे प्रेरित, और वहाँ पर जो उसके कुछ ऑपरेशन हुए तो वहाँ पर चल रहे खाना देते हैं और मिलते हैं आपसे वहीं पर गाइज। तो अभी जो है पुलिया बदलते हैं, अभी हाफ चड्डे में फुल लोअर पहन लेते हैं और यहाँ पे जब जो है सब पैक वैक कर देते हैं, कंप्यूटर को बंद बंद कर देते हैं, तब चलते हैं गाइस। गाइस यहाँ पे जैसे कि हम लोग जो है हॉस्पिटल से निकल चुके हैं, अब घर की तरफ चल रहे हैं, बिकॉज गाइस वहाँ हॉस्पिटल में बनाया नहीं, भैया जो है हमारे सो रहे थे और थोड़ा उसके ग्लूकोज व्लूकोज चढ़ रहा था, वहाँ पे जो है सब डॉक्टर आए थे उन्हें देख रहे थे, तो इसके कारण जो है वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया और अब चल रहे हैं घर। देखो हॉस्पिटल के बाद यहाँ पे मछली दिख गई थी हमें, ये कौन सी मछली कड़ी इनकी दुकान सबसे पहले इनसे मिलो, रिजवान भाई नाम है, क्या रेट है चल रहे भैया? बोनलेस का 150 रुपये चल रहा है 250 ग्राम का। ये देखो लिखे हुए बोनलेस 250 ग्राम, कितने का है चल रहा है? 150 का, 150 रुपये का। और सिंगल काटा है टेंगन वाला 100 रुपये का है वो 250 ग्राम। और ये देखो यार डीप फ्राई करते हैं, डीप फ्राई है पूरा मैरिनेटेड सीन है। एक बार भैया दिखा दे जरा, हाँ पूरा ये डीप फ्राई है। और यहाँ पे देखो ये काटे वाली सिंगल काटे वाली है, सिंगल काटे का है और ये बगैर काटे का है, ये बगैर काटे की। और चिकन भी रखते हैं, चिकन फ्राई भी है, चिकन फ्राई हमारे पास खत्म हो गया है, चिकन फ्राई पहले बिक जाता है हमारा। अच्छा उसकी डिमांड ज़्यादा है जी, तो आइए यहाँ पे विजिट कर सकते हो आप। ये कहाँ पे है ये बता दो। ये भी IIT कॉलेज के सामने है, जे जे बेकर्स के पास, IIT कॉलेज के पास जे। हाँ इसको देख लीजिए, ये आप देख लोगे टेले पे आओगे तो आपको ये मछली जरूर देखने को मिल जाएगी। IIT मोनोग्राम है, मोनोग्राम है, आप लोगों समझ लो यार, लिखा भी हुआ है सार्को लिखा हुआ है और दुकान का नाम है रिजवान फिश फ्राई कार्नर। आप आ सकते हो IIT कॉलेज के जे जे बेकर्स के पास है गाइस, आएंगे आप, आपको यहाँ पे IIT पे जो है मिल जाएंगी तो आप ये मछली देख के पहचान सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जो है मछली फ्राई हो चुकी है, ये रहा मछली फ्राई, फ्लफीनेस देखो, और खा के बताते हैं फिर कैसी लग रही है। एक्सप्लेनेशन ऐसे समझो क्योंकि फिर आवाज की बहुत ज्यादा जो है गड़बड़ी हो जाएगी। मस्त है, ठीक है गाइस, बिना काटे वाला है ना, बिना काटे वाला लोग गरम में जो है बहुत तगड़ा है, फ्राई हुआ है मस्त, बिना काटे तो इसे खाते हैं फिर घर पे मिलते हैं आराम से। ऐसे तो रास्ते में देखिए तो इसे मैं सोचा ट्राई कर लेते हैं, आप घर ही चलते हैं तब मिलेंगे आपसे। आई होप यू गाइस आप सभी को हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेकिंग अच्छी लगी होगी, दूसरे चैनल पे वीडियो की मेकिंग अच्छी लगी होगी और फिश अच्छी लगी होगी, फ्राई फिश, और वहाँ के कैसे कैसे उसको जो है खूबसूरती से बनाया जा रहा था। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में बताना ज़रूर, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो या पुराने हो सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन बटन दबाओ। तो मिलेंगे एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस जय श्री राम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, बाय बाय, टेक केयर गाइस।